देश के नेता चुनावी मुद्दे पर क्या बोलते हैं, आम जनता से क्या वादा करते हैं, आइए हम सबकी लेखा जोखा रखते हैं। आज सुबह टाइम टीम आपकी खास खबर रखती है। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है और पर्यावरण की दुनिया में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है सदैव आज सुबह टाइम्स। हम सभी लोग पर्यावरण को लेकर काफी जो सजग रहना चाहिए, जिस तरह से पेड़ पौधे हरियाली युक्त मौसम बनाना चाहिए। भारत भर में हम सभी को पर्यावरण शुद्ध करने के लिए खास यही एक अपील है कि आप प्रदूषण को ना फैलाएं। हर एक व्यक्ति को या जागरूक हो जाए तो प्रदूषण हमारे देश में होगा ही नहीं, क्योंकि प्रदूषण कहाँ से फैलती है, आइए हम आपको एक बताता हूँ। क्योंकि प्रदूषण फैलने से यह होती है, जैसे किसान भाई पराली जलाते हैं, उससे भी प्रदूषण वायुमंडल में फैलती है और वही हम सबको भी नुकसानदायक बना देती है। और जैसे कि पॉलीथीन या जो है गंदे कूड़ा करकट, या आप बोरियां जला रहे हैं या टायर जला रहे हैं, उससे भी यह प्रदूषण वायुमंडल में फैलती है, जो कि यह सभी मानव जीव जंतुओं को नुकसान बना करती है। तो यही है, आप यदि वैज्ञानिक से पूछे या किसी से भी यदि आप पूछते हैं, तो आप पर्यावरण को अगर शुद्ध करना है, स्वास्थ्य जीवन के साथ आगे बढ़ना है और सभी का ख्याल रखना है, हंसते मुस्कुराते रहना है, तो पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने की जरूरत है। और हम सभी को पेड़ पौधे जब तक नहीं लगाएंगे, तब तक हम सब जो है बीमारी से ग्रस्त होते रहेंगे। इसलिए पेड़ पौधे हर एक व्यक्ति को लगाना चाहिए, जिससे कि आपकी हरियाली युक्त भारत बने, पूरा संपूर्ण जो है लोग स्वस्थ हों और हम सभी को विश्व का भी चिंतन करना चाहिए। हरियाली के लिए हम सभी को पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वृक्षारोपण लगातार विभिन्न राज्यों की सरकारें कर रही है और करती आ रही है, यह बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। हम सभी को भारत सरकार जिस तरह से विभिन्न तरह के जागरूकता करते हैं, देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी स्वच्छता को लेकर और पेड़ पौधे लगाने के लिए पर्यावरण के लिए खास कदम उठाती है, और उसे देखते हुए हम सभी को सलूट करना चाहिए। उनके हर एक मिशन को हम सभी को मिलकर मिलजुल कर इस पर कार्य करना चाहिए। जैसा कि हम सभी वृक्षारोपण में काम करते हैं और स्वच्छता पर कार्य करते हैं, और या विभिन्न तरह की हम सभी को जो है रोग से बचाती है, तो हम सब आज से प्रण कर लें कि स्वच्छता पर विशेष ख्याल रखेंगे और पर्यावरण पर विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है, जिस तरह से पेड़ पौधे वृक्षारोपण करने की ज़रूरत है। और हम सभी को खास अपने पड़ोस को, अपने देश को, अपने ज़िले को, अपने राज्य को, अपने संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों को और विश्व के लोगों को अपना एक परिवार मानना चाहिए। किसी भी तरह से हम एक शांति प्रिय देश के साथ आगे बढ़ते हुए हम सभी को सभी का मान सम्मान और अपना सदस्य परिवार के रूप में देखते हुए हम सभी लोग अपने पेड़ पौधे भी लगाने की ज़रूरत है, तभी तो हम सबका ख्याल एक दूसरे का जाता है। तो हम सभी लोग विशेष ख्याल रखें इस मुद्दे पर, वृक्षारोपण को लेकर, स्वच्छता को लेकर, और आप जो इस तरह से आप वायुमंडल में या सब प्रदूषित फैलती है, इसे बिल्कुल भी ना करें, कूड़ा करकट ना जलाएं, पेड़ पौधे वृक्षारोपण को देखते हुए आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने 100-100 साल पुराने पेड़ आज भी देखे जा रहे हैं। यदि वो ना जागरूक होते तो आज हम 100 साल पुराने पेड़ नहीं देख पाते हैं। तो यही है, हम सबको जागरूक होने की और जागरूकता के साथ साथ हम सबको आगे बढ़ने का प्रेरणा देती है और अपने पूर्वजों से सीख प्राप्त होती है। तो हर एक व्यक्ति को यह सीख प्राप्त करना चाहिए और आप संकल्प लें, पेड़ पौधे अधिक लगाएं। फिर हम आपसे मिलेंगे किसी मुद्दे साथ, तब तक अपना ख्याल, परिवार, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।